शायद इस एरिया में रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना कम नहीं। क्या पता सरकारी रिपोर्ट सच ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें नहीं पता कि क्रू की मौत किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हुई है या वो कैसे लीक हुआ और कहां से। इस बात का कोई खुलासा हुआ ही नहीं। तुम्हारा मतलब है कि इस हादसे की वजह रेडिएशन लीक नहीं हो सकता? आंकड़े तो यही बता रहे हैं, और उस आदमी को देखकर तो लगा नहीं कि उसकी मौत रेडिएशन की वजह से हुई हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? रेडिएशन लेवल नॉर्मल लेवल पर है, और दूसरे डिटेक्टर्स वो सेम ही है। डिटेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त हम कमांड सेंटर से कितने दूर हैं? नॉर्थ में 20 मीटर पर सीढ़ियां हैं जिनसे हम एक लेवल नीचे चल सकते हैं। चलो हमें कमांड सेंटर पहुंचना है। कैप्टन हंस, यहाँ बहुत कुछ अजीब सा है। हमें उसका पोस्टमार्टम करना होगा, उसकी मौत की असली वजह जानने के लिए। तुमने सुना जो मैंने कहा? सुना, रेडिएशन लेवल सही नहीं लग रहा और उसकी मौत की वजह हमें पता नहीं है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या करना है ये मैं तय करूंगा। Thank you.
नॉर्मल लेवल पर है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें स्टेशन की बारीकी से जांच पड़ताल करनी होगी। हमारा मिशन भाले स्टेशन के हादसे की वजह ढूंढना नहीं है। अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम उतार दो। जैसा आप कहें सर। सुशन, मैनुअल के मुताबिक सिस्टम को चेक करो। हाँ ठीक है सर, सबसे पहले एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता हूँ। चलो उतारो इसे। सांस कैसे ले रहे हो? मेरे गले में तो दर्द शुरू हो गया। मैं तो सांस ले ही नहीं रहा हूँ। तुम्हें घुटन नहीं हो रही? कम से कम सांस लेने से तो बेहतर है। गप्पे लड़ाना बंद करो और अपने मिशन पर फोकस करो, बड़ा भाई होने के नाते। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ, मत करो। ये करने आए थे ना तुम? बहुत हो गई तुम्हारी बड़बड़। ठीक है, ये भी बिल्कुल डैड की तरह है। रेड एरिया में मत जाओ और लेवल वन या ऊपर पहुंचने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। और अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि फैसिलिटीज क्या क्या है। इसका मतलब ये है कि क्रू मेंबर्स मालूम नहीं कर पाएंगे कि सब कुछ कहाँ है। सब कुछ इतना रहस्यमय क्यों है? अजीब बात तो ये है कि बहुत ज्यादा प्रदूषण की वजह से जिन एरिया को बंद किया गया था वो ज्यादातर प्रतिबंधित लेवल वन एरिया है और इसे इत्तेफाक मान सकते हैं। सैंपल्स कहाँ है सोचा? देखिए, तीन स्टोरेज हैं जहां पर सैंपल्स को सुरक्षित तरीके। सहायक फैसिलिटीज, कमांड सेंटर और मेन लैब को पूरी तरह घेरे हुए हैं। स्टेशन में सेंटर में कुल 8 गेट्स हैं। संदूषित इलाके से बचने के लिए मेन गेट से सीधे मशीन रूम तक पहुंचना हमारे लिए काफी सेफ रहेगा। हम ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। डॉक्टर E2 और मैं स्टोरेज 1, थ्रेसो सुचन और E1 स्टोरेज 2, गुंग डॉक्टर सुंग और जीसू स्टोरेज 3। डॉक्टर सुंग। हाँ, कैप्सूल के मिलते ही सबसे पहले थर्मोरेगुलेटरी चेक करना होगा। अगर कैप्सूल का तापमान बहुत कम रहा होगा तो स्टेटस स्क्रीन पर हमें हरे रंग की लाइट दिखाई देगी और अगर आपको स्क्रीन पर लाल लाइट दिखे तो उसे बिल्कुल छूना मत। अपनी लोकेशन रिपोर्ट करते हैं, अगर मिला हुआ सैंपल अजीब लगता है तो फौरन डॉक्टर सुंग को कांटेक्ट करें। यस सर। यस सर। उसने ताली क्यों बजाई? सोचा जी। डॉक्टर बोली। पायलट स्टेशन के क्रू मेंबर्स में बायोमेट्रिक चिप्स लगे हुए थे। हाँ, लगे हुए थे। क्या आप मेन सिस्टम से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं? शायद हमें उन लोगों की पहचान और लोकेशंस पता चल सकते हैं। मैंने कोशिश की थी लेकिन हमारे सिस्टम शायद चिप्स डिस्ट्रॉय हो गई है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे जानना था। हम उनके परिवार वालों को बता नहीं सकते, इसके कोई फायदा नहीं।
थर्मल ढूंढे और घर चलेंगे।